नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। जलगांव में शहीद जवान मंगल सिंह को नम आंखों से दी गई विदाई। अमरावती में दंगा शांत करने में पालक मंत्री यशोमती ठाकुर को मिली बड़ी सफलता। और अमरावती में भाजपा नेताओं को जमानत पर किया गया रिहा। और अब खबरें विस्तार से। सावखेड़ के जवान मंगल सिंह को उनके पैतृक गांव में नम आंखों से विदाई दी गई। इस दौरान शहीद जवान को अंतिम विदाई देने हजारों की संख्या में लोग आए थे। इस गमगीन माहौल में मंगल सिंह अमर रहे का जयघोष किया जा रहा था। पाचोरा तहसील के सावखेड़ा बू में 14 नवंबर को 1 बजे के करीब पाठनकोट के सुजानपुर कैंट सीमा पर मंगल सिंह तैनात थे। इस बीच आगे से गोली आई और छाती पर लगने से देश सेवा करते हुए शहीद हुए मंगल सिंह जयसिंह परदेशी का मंगलवार दोपहर 12 बजे अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान हजारों लोग मंगल सिंह को अंतिम विदाई देने पहुंचे थे। इस बीच संपूर्ण परिसर अमर रहे के जय घोष से गूंज रहा था। जवान मंगल सिंह परदेशी को 6वीं कक्षा में पढ़ रहे 12 वर्षीय बेटे चंदन मंगल सिंह परदेशी ने मुखाग्नि दी। जवान मंगल सिंह अपने पीछे बुजुर्ग माता पिता, पत्नी और 2 बेटियां व 1 बेटा छोड़ गए। शहीद जवान को विदाई देने छोटे से लेकर बड़े नेता भी पहुंचे थे। सभी ने नम आंखों से उन्हें विदाई दी। इस बीच संपूर्ण गांव में शोक की लहर छाई थी। अमरावती में स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए जिले की पालक मंत्री यशोमती ठाकुर हर संभव प्रयास कर रही है। वे पिछले 50 घंटे से अपने घर तक नहीं गई है। अमरावती शहर में त्रिपुरा प्रकरण में दोनों समुदाय आपस में भिड़ने से अमरावती शहर में दंगा हुआ। समुदाय को शांत करने के लिए और शहर में कानून व्यवस्था बनी रहने के लिए पालक मंत्री यशोमती ठाकुर के कड़े प्रयास को सफलता मिली। अमरावती की पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने लगातार अधिकारी, पुलिस व नागरिकों के साथ बैठक की और दोनों भड़के हुए समुदाय को शांत किया। इस बीच वे पिछले 50 घंटों से अपने घर तक नहीं गई है। लगातार इस मसले को उन्होंने अच्छी तरह हैंडल किया। उन्होंने दिन रात एक कर दिया। 50 तासापासून सर्किट हाउस किंवा कलेक्टर ऑफिस तिथेच आहे, कारण मी जर घरी गेली असती तर जे काही प्रॉब्लेम्स उद्भवत आहेत त्यांना अवगत करता आलं नसतं किंवा मला ते कळलं नसतं, म्हणून सातत्याने याच ठिकाणी बसून सगळ्या गोष्टी, काही वेळ इथे होती, काही वेळ कलेक्टर ऑफिसमध्ये होती। जवळपास 50 तासाच्या वर या ठिकाणी मी थांबली आहे आज, आणि आज थोडी सिच्युएशन बरी झाली असं वाटलं, पण परत अकोटमध्ये ज्या घटना घडल्या त्याच्यामुळे पुन्हा एकदा सगळ्या दक्षता घेऊन इथंच आहोत, इथनंच काम करतो आहोत आणि इथंच उठतो, बसतो, झोपतो, इथंच आहोत। झोपतच नाही आहे खरं, दोन दिवस तर झोपायलाच नाही मिळालं, ही फॅक्ट आहे। त्याच्या या दरम्यान काही तुम्ही दोन्ही समुदायाच्या लोकांसोबत कशा प्रकारे संवाद साधण्याचं काम केलं? तर हे सगळं मिटवायचं, कारण सगळं नॉर्मलाईज ज्याला भटकवायचं होतं त्यांनी भटकवलं। मला कोणाला स्पेसिफिक असं म्हणायचं नाही आहे की ह्यांनीच केलं किंवा त्यांनीच केलं, पण केलं आणि सगळं नॉर्मलाईज करायचं होतं। तर जिथे जिथे स्टोन पेबिंग किंवा तोडफोडाच्या घटना झाल्या तिथे व्हिजिट केलं। मग जे माझे आमदार आहेत, BJP चे ते नेते आहेत, त्यांच्याकडे पहिले गेलो, गुप्तासाहेबांकडे पहिले गेलो, त्याच्यानंतर काही मुस्लिम वस्तीमध्ये गेलो, ते पण खूप भडकलेले होते, हे पण भडकलेले होते, सगळ्यांना शांत केलं। छोटी अमरावती महत्त्वाची आहे, अमरावतीला एक औद्योगिक स्वरूप देण्याचा जो आम्ही मागच्या काही वर्षांपासून प्रयत्न करतो आहे त्याला मोठी ठेच लागलेली आहे आणि हे अतिशय वेदनादायक आहे हे सगळं। अमरावती में तोड़फोड़ प्रकरण में भाजपा के 14 नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। इन सभी नेताओं को जमानत पर रिहा किया गया है। रजा अकेडमी के मोर्चे के बाद भाजपा ने अमरावती में बंद के दौरान हिंसा की। इस बीच शहर की दुकानें तोड़फोड़ की गई तो कुछ जगह पर आग लगाई गई। इस प्रकरण में भाजपा के 14 नेताओं के साथ 1500 लोगों पर मामले दर्ज किए गए थे, जिसमें भाजपा के पूर्व कृषि मंत्री डॉ. अनिल बोंडे, महापौर चेतन गावंडे, भाजपा प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी, मनपा गटनेता तुषार भारतीय समेत 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया था।
जिसके बाद मंगलवार को सभी गिरफ्तार नेताओं को कोर्ट में पेश किया गया और उन्हें 15,000 के मुचलके पर रिहा किया गया। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्त्यांची यादीच्या यादी पोलीस ठाण्यांना जोडलेली आहे आणि त्यांना सगळ्यांना आरोपी केलेला आहे। एवढा मोठा 40,000 लोकांचा मोर्चा निघाला, पूर्ण पोलिसांचं फेल्युअर होतं। अमरावतीचे जे DCP आहेत MM मकानदार, त्यांनी जाणीवपूर्वक त्या मोर्चाकडे दुर्लक्ष केलं, जाणीवपूर्वक त्या मोर्चाकडे दुर्लक्ष केलं आणि त्या मोर्चामधून म्हणजे खुफिया एजन्सी फेल, सगळ्या गोष्टी फेल, पोलीस यंत्रणा फेल आणि त्याचे परिणाम शहराला भोगावं लागून राहिले। आणि भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांना, हिंदुत्ववादी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांना ते कुठे होते, काय होते, त्यांनी शांततेसाठी प्रयत्न केले की नाही केले हे न पाहता याद्याच्या याद्या जोडल्या आणि धडाधड अटकसत्र सुरू आहे। मला असं वाटते हा अपपराभाव आहे, हा अन्याय आहे। लोकांची भावना लक्षात घेतली पाहिजे। अमरावती असुरक्षित झाली होती, अमरावतीमध्ये नंगा नाश घातला गेला होता, अमरावतीमध्ये दहशत होती, त्याची प्रतिक्रिया जनतेने दिलेली आहे, ती समजून घेतली पाहिजे सरकारने। ती न समजून घेता आता हे दडपशाही सुरू आहे, अटकसत्र सुरू आहे आणि कोणाला तरी खुश करायचं म्हणून कोणाला कोणावर तरी कारवाई करायची अशा कारवाई आमच्या सगळ्यांवर सुरू आहे। परवा जे प्रकरण घडलं इथे, म्हणजे पहिल्याशी एक मोर्चाला, मग दुसऱ्याशी रिटायर्ड झालेला दुसरा मोर्चा झाला, त्या मोर्चाच्या अनुषंगाने सिद्धिविनायक अमरावती इथे गुन्हा रजिस्टर झाला होता। त्यामध्ये आज पोलिसांनी जवळपास 14 लोकांना अटक केली होती, काल दोघांना आणि आज बाकी 12 लोकांना आज। त्यामध्ये अमरावतीच्या भाजपचे सगळे नेते, त्याच्यामध्ये महापौर आहेत, माजी पालकमंत्री आहेत, नंतर भाजपचे प्रवक्ते आहेत आणि इतर सगळे नगरसेवक वगैरे, त्या सगळ्यांना अटक झाली होती। आज दुपारी 2:30 त्यांना कोर्टासमोर हजर करण्यात आलं, मेडिकल वगैरे झालं, त्यानंतर आम्ही अर्ज दाखल केला, त्यात सरकारी वकिलांनी आपला सही दाखल केला आणि आता विद्यमान न्यायमूर्तीने सगळ्यांना जमावातून सोडलेलं आहे। विभिन्न मांगों के लिए आफरोह का आजाद मैदान पर श्रृंखलाबद्ध अनशन शुरू किया गया था, 45 दिन के बाद भी यह अनशन जारी है। अधिसंख्या पद के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन मिले और अन्य मांगों के लिए ऑर्गेनाइजेशन फॉर राइट्स ऑफ ह्यूमन ने 2 अक्टूबर 2021 से आजाद मैदान मुंबई में शुरू किया था। इस अनशन को 1.5 महीना पूर्ण हो चुका है, लेकिन अब तक सरकार ने कोई निर्णय नहीं किया है। जब तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन देने का निर्णय सरकार नहीं लेती, तब तक श्रृंखलाबद्ध अनशन जारी रहने की बात ऑर्गेनाइजेशन फॉर राइट्स ऑफ ह्यूमन के वर्धा जिले के अफरोह अध्यक्ष अशोक हेडाव ने दी है। आमचं शासनाकडे मागणे प्रलंबित आहे। शासन दरबारी आम्ही नेहमी पत्रव्यवहार केलेला आहे की 21 डिसेंबर 2019 जो सामान्य प्रशासन विभागाचा जो शासन निर्णय प्रस्थापित झालेला आहे, निर्गमित केलेला आहे, तो शासन निर्णय आमच्या कर्मचाऱ्याच्या अंगलट आलेला आहे। त्यांनी त्याकरता त्यांनी भुजबळ समितीची स्थापना केलेली आहे। भुजबळ समिती ही वारंवार 11 महिन्याची मुदतवाढ देत आहे, परंतु शासनाला अहवाल सादर करीत नाही। त्या प्रित्यर्थ आमचे काही समाज बांधव आहे, कर्मचारी आहे, जे सेवारत आहे आणि सेवानिवृत्त झालेले आहेत, त्यांना सेवानिवृत्तीचा कुठलाही लाभ मिळालेला नाही। त्यांना ग्रॅच्युटी मिळाली नाही, पेन्शन मिळाली नाही आणि फॅमिली पेन्शनवर जे कोणी मयत झालेले आहे, मृत्यू पावलेले आहे, त्या कुटुंबाला कुटुंब निवृत्ती पेन्शनसुद्धा मिळालेली नाही। ह्या आमच्या प्रमुख आणि अन्य काही मागण्यांसाठी आम्ही शासनदर्भे पाठपुरा केला, परंतु त्यांनी आमच्या मागण्या मान्य केलेल्या नाही। त्यामुळे आम्ही गांधीजी 2 ऑक्टोबर 2021 गांधी जयंतीच्या दिवशी आम्ही सर्व महाराष्ट्रामधल्या समस्त आफ्रो संघटना विविध जिल्ह्यातल्या तिथे आम्ही संघटना म्हणजे आमरण उपोषणाचा इशारा दिला होता, परंतु COVID-19 नियमाचं बंधन असल्यामुळे त्यांनी आम्हाला साखळी उपोषणामध्ये परिवर्तित करायला लावलं। तर मी साखळी उपोषणं करू शकता 4 लोकांच्या मर्यादेत। अशा उपोषणाला वर्धा जिल्ह्यातून मी आफ्रो अध्यक्ष या नात्याने आणि समस्त वर्धा आफ्रो कार्यकारिणी या नात्याने आम्ही त्या पाठिंब्याला जाहीर पाठिंबा दिला आणि आम्ही तिथे मुंबईला जाऊन आलो आणि तिथे आमच्या ज्या मागण्या आहेत त्या आम्ही प्रसारमाध्यमाद्वारे शासनाबरोबर पोहोचेल अशी आम्ही शासनाला विनंती केली आहे, परंतु शासनानं अजूनपर्यंत कुठलीही दखल घेतली नाही। त्यामुळे आम्ही आता येणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये 20 डिसेंबर 2021 आम्ही भव्य विराट मोर्चा नेणार आहोत। हे आमची सगळी तय झालेला हा कार्यक्रम आहे। बघू आता शासन आमच्यावर काय निर्णय देतात ते, त्यानंतर आमचं समोर उग्र आंदोलनाचा पवित्र राहणारच आहे। वक्त हो चला है ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ।
अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जय विदर्भ पार्टी की हाल ही में स्थापना की गई, विदर्भ की समस्याओं का हल करने के लिए स्थापित की गई पार्टी की पत्रकार परिषद आयोजित की गई। विदर्भ की समस्या छुड़ाने के लिए पार्टी की स्थापना की गई। संस्थापक अध्यक्ष राम नेवले ने जय विदर्भ पार्टी द्वारा पृथक विदर्भ की मांग करते हुए पत्रकार परिषद आयोजित की। जय विदर्भ पार्टी द्वारा विदर्भ में हो रही किसान आत्महत्या, बेरोजगारी, कुपोषण, नक्सलवाद, दुष्काल, राज्य का अपूर्ण विकास, अपूर्ण सिंचन, अधूरे पर्यटन केंद्र जैसे मुद्दों पर पार्टी द्वारा ध्यान दिया जाएगा। ऐसी जानकारी पत्र परिषद में संस्थापक अध्यक्ष रामनेवले समेत उपाध्यक्ष रंजना मामरडे, जनरल सेक्रेटरी विष्णु आष्टीकर ने दी। विदर्भ राज्य आंदोलन समिति ने आजपर्यंत बरीचशी आंदोलन केलेली आहे, तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे, स्वतंत्र विदर्भ राज्यासाठी। आणि या विदर्भ राज्य आंदोलन समितीचं एक राजकीय व्यासपीठ म्हणून जय विदर्भ पार्टीचं निर्माण केलेलं आहे। एक जय विदर्भ पार्टीची स्थापना करण्यात आलेली आहे। जय विदर्भ पार्टीचं मुख्य उद्दिष्टच आहे स्वतंत्र विदर्भ राज्य मिळवून घेणे। आणि त्याच्यानंतर विदर्भामध्ये ज्या काही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होऊन राहिलेल्या आहेत, त्यासाठी त्या आत्महत्या थांबल्या पाहिजे। त्याच्यासाठी विदर्भातील शेतकऱ्यांचा आणि शेतीचा सर्वांगीण विकास करणे हा त्याचं दुसरं उद्दिष्ट आहे। जे काही तालुके असेल, जिल्हे असतील, तर गेल्या 60 वर्षापासून नवीन तालुके जिल्हे झाले नाही, तर विदर्भ वेगळा जर झाला तर एक मोठं समृद्ध राज्य तयार होणार आहे। आणि म्हणून आज 11 जिल्हे आहेत, त्याचे 30 जिल्हे होऊ शकतात, 120 तालुक्याचे 350 तालुके होऊ शकतात। आणि ते जर झाले तर मोठा रोजगार तयार होऊ शकते। त्याच्यानंतर विजेचे दर निम्मे होऊ शकतात, 200 युनिटपर्यंत वीज फ्री होऊ शकते, शेतकऱ्यांना वीज फ्री मिळू शकते। आणि शिल्लक राहिलेली वीज लोड शेडिंग संपून आम्ही जर विकली तर 25,000 कोटी रुपये आमच्या तिजोरीत जमा होऊ शकतात। अशा प्रकारचं सर्व जे काही प्रश्न आज विदर्भात तयार झालेले आहे, कुपोषण असेल, नक्सलाईट असेल, विदर्भाचा विकास झालेला नसेल, आत्महत्या शेतकऱ्यांचे असतील, या सर्व प्रश्नाचं उत्तर फक्त एकच आहे, स्वतंत्र विदर्भ राज्य। आणि आजपर्यंत जे काही पक्ष या सत्तेवर आले त्या सर्व पक्षांनी विदर्भाचं शोषण केलेलं आहे, विदर्भाचं दोहन केलेलं आहे। आणि या शोषणातूनच पश्चिम महाराष्ट्राचा विकास झालेला आहे, पश्चिम महाराष्ट्राचा झगमगाट झाला। नई मुंबई में अभिनेत्री कंगना रनौत के विरोध में राष्ट्रवादी कांग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान जोरदार नारेबाजी करते हुए कंगना का निषेध किया गया। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू में भारत देश की आजादी पर वक्तव्य किया, इसी का निषेध करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा नई मुंबई में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष अशोक गावंडे के नेतृत्व में कंगना के खिलाफ नारेबाजी की गई, साथ ही कंगना रनौत को दिया गया पद्मश्री पुरस्कार वापस लेने की मांग की गई। आम्ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नवी मुंबईच्या वतीने या ठिकाणी कंगना रनौत ह्या मूर्ख बाईचा निषेध व्यक्त करण्यासाठी या ठिकाणी सर्व आमचे राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते उपस्थित झालेले आहे। वास्तविक पाहता तुम्ही जर बघितलं असेल तर गेल्या 4 ते 5 दिवसामध्ये केंद्र शासनाने शिफारस केल्यावरून राष्ट्रपतींनी या रनौतला एक पद्मश्री पुरस्कार दिलेला आहे। वास्तविक पाहता केंद्र सरकारच्या लक्षात यायला पाहिजे का एवढा मोठा मान सन्मान किंवा पुरस्कार कुणाला दिला जातो ही अतिशय विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे। परंतु अशा मूर्खबाईला केंद्र शासनाच्या शिफारशीवरून राष्ट्रपतींनी पुरस्कार दिलेला आहे म्हणून प्रथमतः मी त्या केंद्र सरकारचा जाहीर निषेध करतो। आणि वास्तविक पाहता आपल्या देशाला 15 ऑगस्ट 1947 रोजी आपला देश अनेक युगपुरुषांच्या बलिदानातून
अनेक युगपुरुषांच्या त्यागातून एक अतिशय स्वतंत्र आपल्या देशाला मिळालेला आहे आणि म्हणूनच त्यावेळेच्या युगपुरुषांनी आपल्या देशाचा आपला तिरंगा यामध्ये सुद्धा नारंगी आहे, सफेद आहे, हिरवा आहे आणि विशेष करून अशोक चक्र आहे, ह्या तिन्ही रंगाचा समावेश करून इन दिनों रेलवे सुरक्षा बल नागपुर स्टेशन की सुरक्षा को पुख्ता कर रहा है। कहीं से रास्ते बंद किए जा रहे हैं तो कहीं कॉमन एंट्री एग्जिट रखकर निगरानी को बेहतर करने का प्रयास है। हालांकि सुरक्षा की ये नई व्यवस्था यात्री सुविधाओं की बलि ले रही है। इसकी मुख्य वजह स्टेशन के दोनों ओर खराब हो चुके बैगेज स्कैनर है। उल्लेखनीय है कि स्टेशन के पूर्वी छोर पर FOB पर और पश्चिमी छोर पर मुख्य प्रवेश द्वार के पास बैगेज स्कैनर मशीनें रखी रहती थी। पिछले करीब 3 वर्षों से मशीनें खराब है, अब तो इन्हें हटाकर पीछे खिसका दिया गया है, यानी साफ है कि अब ये मशीनें दोबारा शुरू नहीं हो सकती। ऐसे में देश के सबसे संवेदनशील स्टेशनों में शामिल नागपुर में RPF को सुरक्षा के मद्देनज़र नई नई व्यवस्था करनी पड़ रही है। यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन पर एस्केलेटर लगाए गए हैं। इसका उद्देश्य वृद्ध यात्रियों को आसानी से FOB तक पहुँचाना है ताकि उन्हें सीढ़ियाँ या रैंप न चढ़ना पड़े। स्टेशन पर 6 एस्केलेटर है, इनमें से 3 प्लेटफॉर्म 2 से 7 तक पूर्वी द्वार पर 2 और 1 पश्चिमी भाग में ओपन जनरल वोटिंग हॉल के पास है, जिसे अब पूरी तरह बंद कर दिया गया है। RPF ने सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ बैरिगेट्स लगा दिए गए हैं। इन्हें इस प्रकार लगाया गया है कि किसी भी हाल में कोई भी व्यक्ति या यात्री यहाँ की सीढ़ियों और एस्केलेटर का उपयोग नहीं कर सकता, यानी पश्चिमी भाग में मुख्य प्रवेश द्वार से आने वाले यात्रियों को प्लेटफॉर्म 2 से 7 तक जाने के लिए रैंप चढ़ना ही पड़ेगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नागपुर RPF ने मंडल प्रबंधन से कहा है कि अब वे प्लेटफॉर्म 1 पर बने क्लार्क रूम में सामान रखने वाले यात्रियों को किसी भी हाल में सिक्योरिटी सील नहीं देंगे। इसकी वजह खराब बैगेज स्कैनर है। चूंकि यात्रियों के लगेज को स्कैन नहीं किया जा रहा है तो फिर पता कैसे चला गया कि उनके पास कोई संदिग्ध या विस्फोटक सामग्री है। ऐसे में RPF क्लार्क रूम के लिए सिक्योरिटी सील कैसे दे सकते हैं? आनन फानन में RPF की मांग के बाद कुछ घंटों के लिए क्लार्क रूम की सुविधा बंद कर दी गई। नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स की वार्षिक आम सभा AGM सोमवार को रजवाड़ा पैलेस में हुई, जिसमें वर्तमान अध्यक्ष अश्विन मेहाड़िया को 3री बार अध्यक्ष बनने पर मुहर लगा दी गई। इसके साथ ही एक उपाध्यक्ष और संयुक्त सचिव को बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया। अर्जुन दास आहूजा और फारूक अग्बानी की उपाध्यक्ष पद बच गया, जबकि संजय अग्रवाल को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उनकी जगह स्वप्निल अहिरकर को नया उपाध्यक्ष बनाया गया। संयुक्त सचिव पद से उमेश पटेल को हटाया गया और उनका दायित्व बिल्कुल नए नवेले दीपक अग्रवाल को सौंपा गया। बैठक के एक दिन पूर्व सूचना जारी कर AGM की जानकारी देने से कई लोगों के कान खड़े हो गए थे। लोगों ने अनुमान लगा लिया था कि जल्दबाजी में बैठक बुलाकर कुछ न कुछ उल्लू सीधा करने का खेल खेला जाएगा, जो बदलाव के रूप में दिखाई देगा। चुनाव संपन्न होते ही लोगों की आशंका हकीकत में बदल गई। अग्रवाल को हटाने के लिए एक गुट काम कर रहा था और वे अपनी चाल में सफल भी हो गए। एक पूर्व अध्यक्ष इसमें अहम भूमिका निभा रहे थे। वास्तविकता यह है कि जो पूर्व अध्यक्ष सबसे ज्यादा सक्रिय रहे, वह खुद भी एक व्यापारी संगठन का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन उपाध्यक्ष को हटाने के पीछे इसी आरोप का बहाना बनाया गया। प्रत्यक्ष रूप से सामने न आकर पूर्व अध्यक्ष पर्दे के पीछे से भूमिका निभाने का काम कर रहे हैं और उन्हें सफलता भी मिल रही है। इसका मुख्य कारण है कि अन्य पूर्व अध्यक्ष खुलकर किसी मुद्दे पर सामने आने को तैयार नहीं है। लोग चुप्पी का लाभ उठा रहे हैं। बैठक के समय संजय अग्रवाल का नाम काटने का जब प्रस्ताव आया तो इसका खुलकर कुछ ने विरोध भी किया, लेकिन विरोध की आवाज को दबा दिया गया। अग्रवाल पिछले काफी वर्षों से चेंबर से जुड़े थे, इसलिए इस प्रकार से हटाने की प्रक्रिया का लोगों ने खुलकर विरोध किया। कई लोगों ने कहा कि ये उचित नहीं है। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में चेंबर में मनमुटाव बड़े पैमाने पर बढ़ेगा। तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए BKB न्यूज। नमस्कार।